हम करेंगे पहले है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन से आपको फोर ऑप्शन है उनमें से आपको सही ऑप्शन जो भी है उसको चूज करना है ठीक है आपको मैंने पहले भी बताया है बुक पे जो है आपको पेंसिल यूज करना है पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है ठीक है ए पार्ट है आपका मूव्स

आपको फोर सेंटेंस दिया है इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकंपेन्ड बाय इंक्रीजिंग विंड प्रेशर सेकंड है आपका इंक्रीज्ड विंड स्पीड नॉट अफेक्ट द एयर प्रेशर थर्ड है रिड्यूस विंड स्पीड इज अकंपेन्ड बाय द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर फोर्थ है इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकंपेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर तो हमें पता है फोर्थ वाला करेक्ट सेंटेंस है विंड स्पीड इंक्रीज जितना विंड स्पीड इंक्रीज होता है उतना एयर प्रेशर डिक्रीज होता है ठीक है इसके बाद है आपका सी पार्ट द्रॉम दी ओशन केरी वॉटर एंड ब्रिंग रेन दिस विन्स आई रिफर टू एस वो विंड जो ओशन से जो है दंड फ्रॉम द ओशन से जो विंड आता है वो उसकी वजह से जो, जो रेन होता है उस विंड को क्या कहते हैं हम मानसून साइक्लोन IPhone, these, तो हमें पता है मॉनसून ठीक है डी पार्ट है आपका द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विथ राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड दिस इवेंट इज कॉल्ड वो स्विफ्ट मूमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट जिसकी वजह से क्या होता है एयर क्या क्रिएट करता है लाइट और साउंड क्रिएट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं उस इवेंट को मॉनसून साइक्लोन टाइफों थंडर तो हम क्या कहते हैं थंडर स्ट्रूम में क्या होता है एयर क्या क्रिएट करता है लाइट और साउंड ठीक है इसके बाद है ई पार्ट इन केस ऑफ थंडर स्ट्रूम वी शुड अगर थंडर स्ट्रूम होगा तो हमें क्या करना है टेक शेल्टर इन ए मेटल शेट टेक शेल्टर इन ए बिल्डिंग लाई ऑन द ग्राउंड यूज एन अम्बरीला विदल एंड तो हमें पता है अगर थंड हुआ तो हमें टेक इन एल्डिंग ठीक है यानी सेकेंड पे आपको मार्क करना है एफ है द फैक्टर दैट एफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लॉन इज वो फैक्टर ऑफ फैक्टरी वजह से साइक्लॉन डेवलप होता है कौन सा है द टेम्परेचर दिन स्पीड द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑल ऑफ डीज तो इनमें से कौन सा है जिनकी वजह से जो है साइक्लोन डेवलप्ड होता है तो हमें पता है ऑल ऑफ डीज यानी टेम्परेचर विंड स्पीड लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन सब की वजह से जो है साइक्लोन डेवलप होते हैं ठीक है अब इसके बाद है जी पार्ट ए साइक्लॉन इज रिफर टू एज ए टाइफोन इन साइक्लोन जो है साइक्लोन uh, को रिफोर्ड किया गया है एज ए टाइफोन कहाँ पे जापान फ्लिपनेस अमरीका या बोथ वन एंड टू तो हमें पता है जापान और फ्लिपनेस में जो है साइक्लोन को क्या कहते हैं टाइफोन ठीक है तो ये रहा आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन इसके बाद हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स ए पार्ट है मैंने यहाँ पे आपका फिल किया हुआ है आपको पेंसिल से फिल करना है ठीक है ए पार्ट है एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स प्रेशर ठीक है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग ठीक है हीटिंग से वो एक्सपेंड होता है कूलिंग से वो कंट्रैक्ट होता है ठीक है सी पार्ट इंक्रीज इन विंड स्पीड आर अकंपेन्डिट बाय रिड्यूस एयर प्रेशर विंड स्पीड इंक्रीज होगा तो एयर प्रेशर रिड्यूस होगा ठीक डी पार्ट है एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर हम लोग पता है एयर कहां से कहां मूव करता है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में ठीक है पार्ट है वर्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर एंड देर फोर अप वेयर इज कूलर एयर टेंड टू मूव द अर्थ सरफेस हमें पता है वर्म एयर लाइटर होता है ठीक है देन कोल्ड एयर से इस वजह से वो राइजेस अप होता है ऊपर की तरफ वेर इज जो कूलर एयर होता है वो कहाँ पे मूव होता है टूवर्ड सरफेस ठीक है इसके बाद है जी पार्ट सॉरी एफ पार्ट है एस वॉर्म एयर राइजेस एयर प्रेशर एट द्लेस जब एयर प्रेशर राइजेस होता है एयर सॉरी वॉर्म एयर जब राइज होता है तो एयर प्रेशर उस जगह का क्या होता है इस लो ठीक है एंड द कूल एयर और जो कूल cool एयर होता है मूव्स मूव प्लेस मूव्स टू दैट प्लेस उस जगह पे आ जाते हैं जहां पे लो प्रेशर होते हैं ठीक है थेके? यहाँ पे लो यहाँ पे कूल ठीक है इसके बाद है आपका जी पार्ट द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं विंड ठीक है एच पार्ट है अन ईवन ही ऑफ अर्थ इज मेंज ऑफ विंड मूवमेंट ठीक है अन ईवन इसके बाद है आई पार्ट ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड करंट इज बाय लो प्रेशर ऑफ द अर्थ जो विंड डायरेक्शन ए चेंज इन विंड डायरेक्शन विंड डायरेक्शन में जो चेंज होता है ठीक है ए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड करंट में सॉरी विंड करंट में जो डायरेक्शन चेंज होता है किसकी वजह से इस कास्ट बाय लो प्रेशर ऑन अर्थ उसकी वजह से अर्थ पे क्या होता है लो प्रेशर होता है ठीक है ये पार्ट है साइक्लोन आर कॉल्ड टाइफोन इन फ्लिपनेस फ्लिपनेस में टाइफोन साइक्लोन uh, को क्या कहा जाता है टाइफोन ठीक है तो ये रहा आपका फ्लिंगअप्लैंग एक बार फिर से देख लेना ए पार्ट में जो है प्रेशर बी पार्ट में एक्सपेंड और कूलिंग सी पार्ट इंक्रीज ठीक डी पार्ट हाई प्रेशर लो प्रेशर ई e पार्ट लाइटर राइजेस मूव ठीक है एफ पार्ट है लो कूल जी पार्ट मूविंग एच पार्ट आई अन जे पार्ट लो प्रेशर सॉरी आई पार्ट लो प्रेशर जे पार्ट टाइप ठीक है तो ये रहा आपका फिलिंग द ब्लैंक्स ठीक है थैंक यू